बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही है और एनडीए और महागठबंधन के बीच करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि अंतिम परिणाम आने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बिहार में किसकी सरकार बनेगी यह कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजें स्पष्ट हैं। पहला तो ये कि फर्स्ट फेज में महागठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इस चरण में पिछली बार की तुलना में 6 अधिक सीटों पर बढ़त बनाई है। इसी तरह सीमांचल में वो 6 सीटों का नुकसान भी झेल रहा है। एनडीए ने दूसरे और तीसरे चरण में अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं दूसरी ओर एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी फ्लॉप साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर कैसे, आपको बताते हैं। बिहार चुनाव में 52 सीटों को प्रभावित करने वाले जिन 8 जगहों पर राहुल गांधी ने रैली की थी, वहां महागठबंधन बुरी तरह हार रही है। इन 52 सीटों में 42 सीटें महागठबंधन हारते हुए दिख रही है और महज 10 सीटों पर जीत दर्ज करता नजर आ रहा है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर बिहार में प्रभावहीन साबित हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस नेताओं की दिल्ली की पूरी टीम ने राज्य भर का दौरा किया था और पार्टी नेताओं ने इस चुनाव में 59 सभाएं की थी। इनमें से राहुल गांधी ने हर चरण में 2 और तीसरे चरण में 4 यानी कि कुल 8 सभाएं बिहार में की थी। राहुल ने पहले चरण में हिसुआ और कहलगांव में सभाएं की थी और उसके बाद उन्होंने कुशेश्वर स्थान, वाल्मीकि नगर तथा तीसरे चरण में कोढ़ा, किशनगंज, बिहारीगंज और अररिया में सभाओं को संबोधित किया था। कैसी लगी खबर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।